سبيل الله أموات صدق الله مولانا العظيم قال الله عز وجل شانه في مقام الآخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا را رانما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا والدیک والک واصحابک یا حبیب اللہ اپنا گھر لٹا کے کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اپنا گھر لٹا کے کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بتول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا ہے وہ دشمن نبی اسے حسین سے انا دے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اللہ خالق کائنات حمد و ثنا اور دو تلا مادود حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء پیارے مکی مدنی کریم آقا احمد مجتبی حضرت جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی بارکات و نیاز اندر محبت و عقیدت اخراج پیش کرنے تو بعد وقت کچھ زیادہ ہو گیا حضرات اصل سے دو خطاب سن ایک فیصلہ بعد اس بعد پھر ایک شاکوٹ کو رستے جگہ جگہ پانے اور رابطے اندر فقدان جس میں رتو کچھ تاخیر ہو گئی
अजय दो जुमे के खिताब ने, इस तो बाद फिर मैं चनोट जाना, फिर रात एक और जगह की खिताब है, पांच छह जगह से हाजरी। बहरहाल बिहमदिल्लाह ताला वक्त ना पहुँच के कुछ जनाब की ज्यारत होगी, कुछ अर्ज मरूज हो जाएगा। मैं वैसे उधार करांगा कि 13 मुहर्रम शरीफ में चुके प्रोग्राम है इसे मस्जिद ही, इंशाल्लाह 3-4 शहादत पढ़ांगा। आज सिर्फ एक नन्ने मासूमे करबला इमाम अली असगर की बारगाह च खराजे की पेश करना है, 5-10 मिनट इंशाल्लाह। उस तो बाद फिर लंबी तकरीर जी को घंटे डेढ़ दी इंशाल्लाह, फिर तुम 13 मुहर्रम सुनावे। जेडे साथी बहरों आते इंशाल्लाह अगले जुमे ते भी वाकया करबला और करबला तो वापसी के हालात तो वाकयात पाकन की सारी गल्लां पाक ने, इन्ह दी मुहब्बत ने सारे किस्से ठीक ने, अहल बैत ते सहाबा की आपस मुखालफत दी सारी गल्लां झूठ ने, मुआफकत दी सारी गल्लां सच्चियां ने। साहिबान इकरामी कदर इरशाद रब्बे कायनात अल्लाह फरमांदा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह फरमांदा बेशक असा खरीद लईयां ने मोमिना दीयां जानां, उन्हां नूं जन्नत अता फरमा दित्ती है। जन्नत जन्नत बहुत महंगी चीज है जी, जन्नत दी मिसाल कायनात है ही कोई नहीं, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत वास्ते दुआ फरमाते हैं। कई लोग जन्नत की तोहीन च मैं बड़े बड़े एवं जुमले कह देते हैं, जन्नत बड़ी आला शाह, जन्नत की नियमत वो ने जी ना किसी अख ने दुनिया से वेखिया ने, ना किसी जुबान ने उन्होंने नियमतों को खा के चखिया है। जन्नत बड़ी आला चीज है, बल्कि इंज कह लो कि जन्नत अल्लाह की रजा का मजहर है, अल्लाह की रजा का दूसरा नाम जन्नत है। अल्लाह फरमा रहा है यानी एडी महंगी चीज है, तो महंगी शायद का मुल भी तो बड़ा महंगा होता है ना। जे जन्नत अल्लाह महंगी शह दे रहा है तो शहीदां की जान रब लै रहा है, तो यह मतलब है कि शहीदां की जान भी बड़ी महंगी है। अल्लाह ताला जन्नत दे के ते बदले शहीदां की जान लै रहा है, यानी इन अल्लाह हश्तरा अल्लाह फरमांदा असा खरीदारी की है कि शहीदां दी जाना लईया ने और असा जन्नत अता फरमाईए। हदीस पा के नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद नु जख्म लगता है जमीन ते डिगदा है, ओदी रूह जिस्मे मुबारक चो बाद च निकलदी है, उन अल्लाह दा दीदार पहले करा दिता जाता है, अल्लाह दा दीदार। ताई ते नबी पाक सरकार ने फरमाया जदों जन्नती जन्नत च होणगे, अल्लाह फरमाया कि जन्नती हो तुहाडी कोई ख्वाहिश, हर जन्नती कहेगा या अल्लाह साडी दुआवां कबूल हो गईयां, अल्लाह तेरी रजा दा मजर असा जन्नत च पहुंच गए। लेकिन शहीद कहेगा या अल्लाह तेरी जन्नत च लुत्फ नहीं आ रहा। फरिश्ते कहणगे बई तेनू जन्नत च मजा नहीं आ रहा, तेनू मजा किवें आउणा, लुत्फ किस मौके ते आउणा है। वह कहेगा मैदाने कारजार होवे, दुश्मन की तलवार होवे, हक की यलगार होवे, ते फिर दुश्मन का वार होवे, ते फिर वार जिगर तो पार होवे, उस वक्त जिहड़ा अल्लाह का दीदार हुंदा सी ना, वह मजा जन्नत च भी नहीं आ रहा। यानी जन्नत जन्नत है लेकिन अल्लाह का दीदार हर जन्नती नूं नहीं आउणा। इस वास्ते शहादत बड़ा आला मनसब है, बड़ा उलिया मरतबा है। कई लोग एवं फजूल किस्म के सवाल करते हैं, नबी मुश्किल कुशा है, तेरे इमाम हुसैन करबला च बचाया नहीं है जी, अल्लाह तो मुश्किल कुशा है कि नहीं है, है ना। शायद पिछले पिछले साल हज के मौके पर क्रेन डिगी, किन्ने बंदे शहीद हो गए, अल्लाह क्यों नहीं बचाया है जी। मस्जिद अक्सा अल्लाह दी घर है ना, 125,000 नबियां दा किबला है, उत्थे कब्जा यहूदियों दा रब चाह क्यों नहीं। एक सवाल गलत नहीं, फजूल नहीं, मुकाफाते अमल है, ये अल्लाह ताला इम्तिहान लेंदा है। इम्तिहान लेने तो बाद रब्बे कहना दा फरमान वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलो फी सबीलिल्लाहि अमवाता। एक मुकाम दे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिल्ला तशुरू। एक मुकाम ते अल्लाह इरशाद फरमांदा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा।
शहीद दी शाना ने। हजरत इमाम अली मुकाम सरकार सुभान अल्लाह जिहड़ा मैदान करबो बला च आपने मर का सर अंजाम दिता है ना। अच्छा तुसी दास्ताना पढ़ते हो बड़े बड़े सुलातीन ते बड़े बड़े फाते अलाकू खां ते चंगेज खां दियां हिटलर दियां दास्ताना बड़िया मशहूर ने, बड़े बड़े कमांडर सन, पोलन दियां दास्ताना बड़िया तारीख च मौजूद ने। मैं उन्हां दा नां लै रहा जिहड़े बड़े बड़े फाते होए ने, है जी। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया उन्हां दी यादां मिट गईयां ने, कमजोर हो गईयां ने, है जी। लेकिन की वजह है कि साढ़िया 13 सदियां गुजर गईयां ने, इमाम हुसैन दी याद कमजोर नहीं हुई। सिर्फ ए साल बाद दिन आउंदा है ते आम दिनों की निस्बत जिहड़ा मुहर्रम 10 मुहर्रम के करीब करीब जुमा आउंदा, उस जुमे च गैदरिंग बढ़ जाती है। इमाम पाक की मुहब्बत ते दलालत करते ने सारे मामला। इमाम हुसैन सरकार की याद कमजोर क्यों नहीं हुई? ना कमजोर हुई है, ना हो रही है, और ना क्यामत तक कमजोर होनी है। बल्कि ज्यो ज्यो वक्त गुजरता जा रहा है इमामी आली मुकाम की पगड़ी का शिमला उच्चा ही होता जा रहा है। वजह यह है कि दुनिया के जितने भी फाते, जितने भी सलातीन, जितने भी बादशाह जिन्हें बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिते, बड़े बड़े मार के मारे, बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की, उन्होंने जिक्र मिट गया, मिटिया नहीं तो कमजोर जरूर हो गया। वजह है साहेबा उन्हें जिन्हें भी कारनामे सर अंजाम दिते ने, उन्हें दुनिया की दौलत ते माल ते इख्तदार की खातर कारनामे सर अंजाम दिते ने। पिछते करबो बला अंदर राकी बे दोश पैगंबर ने, इमामी आली मुकाम ने, सैयद करबला ने, शहनशाह वफा ने, इमामी आली मुकाम रजी अल्लाह तआला ने जिहड़ा कारनामा सर अंजाम दिता है ना, वो ना तो दुनिया के माल की खातर दिता है, ना दुनिया के इख्तदार की खातर दिता है, बल्कि वह कारनामा रजाए यार की खातर दिता है। इस वास्ते रब कीता वादा निभा रहे है, अल्लाह दा फज़ करू नहीं अज़कुर कम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करांगा। या अल्लाह मेरी जिंदगी 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल तो बाद मैं मर जावांगा। अल्लाह फरमाता जिन्नी तेरी जिंदगी है तू मेरा जिक्र करके टुर जा, फिर जब तक तेरा रब हय्यन कय्यूम है ना, लोगों दी ज़बानों ते रब तेरा जिक्र जारी हो सारी फरमा देगा। इमाम पाक दा पूरा खानदान पूरा गुलशन ही इस्लाम ते खर्च होया ना, और इस खानदान का खर्चा होया इस्लाम से। आ बंदा बीमार हो जाए तो उन्होंने हर बंदे का खून लग जाता है, बंदा बीमार हो गया उन्होंने खून की जरूरत पै गई है कि हर बंदे का खून लग जाएगा? नहीं, पहले टेस्ट होएगा, पहला टेस्ट होएगा मरीज का, तो फिर खून देने वाले का टेस्ट होएगा। अगर खून मिलता है तो फिर वह ग्रुप मैच कर दें, क्रॉस मैच किया होना, उस बाद जाकर फिर वह खून लगना है। जदों इस्लाम से कमजोरी आई ना उदू हर बंदे का खून ही लगा, उदू आले रसूल का खून कबूल होया है। इस बात इन्हों लोगों का खून कबूल हो गया है। असा अलहम्दुलिल्लाह आले सुन्नत व जमात असा हाय हुसैन नहीं करते, असा वाह हुसैन करने, असा इमामी आली मुकाम की शहादत का गम नहीं मनाते, असा याद मनाने, उन्हों गलों सुन के अखा चांसू आ जाए अल्लाह की रहमत की दलील है। बल्कि असा तो इमामी आली मुकाम रदी अल्लाह तआला नू दे पूरे खानदान खराजे तासीम पेश करने, साडे बुजुर्गों जिहड़ी गल की सच्ची हो पूरे जना वाकया करबला का खुलासा है। आरफ खड़ी मियां मुहम्मद बख्श कहते ने ताकत हुंदिया जोर न लाया ते बैठे मल रजाई दुनिया उत्तों प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे शाई। हजरत गिरामी कदर मैदान करबो बलाए 10 मुहर्रम दा दिन ले यौमे आशूरे 18 जेठ सख्त गर्मी है सूरज अग बरसा रहा है सवा नेजे ते सूरज इमामे आली मुकाम मुकामे रजा ते खड़े नहीं एक एक करके सारे काफराद शहीद हो गए नहीं। हजरात गिरामी कदर इमाम तैयारी कर रहे ने अज जरा पिछा मुड़ के वेख्या एक बीबी है जिदा नाम उम्मे रुबाबे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाल जनाबे ज़ैन पाक ने छोटा जिहा मासूम बच्चे जिदा नाम अली असगरे जनाब होंट होंट खुशक ने जबान प्याज दी वजह दे नाल पार आ गई है। जनाबे उम्मे रुबाब अर्ज कर दिया ने आका हुसैन
हुसैन जिंदगी अंदर कदी भी कोई डिमांड नहीं की, आका कदी भी बेजा तंग नहीं किया। अज मां दी ममता एक सवाल लेके आई है, आका हुसैन तुसा सखी हो, किसे नु खाली नहीं मोड़ दे। फरमाया जैन फरमाया मेरो बाप गल कर, अर्द कीता आका हुसैन मेरा छोटा जिहा बच्चा है, छातियां मुबारक जो दुद्ध भी खुशक हो गया है, मेरे पुत्र नु मैदान करबला विच ले जाओ, हो सकता है किसी पुत्रां वाले नु तरस आ जाए, मेरे पुत्र नु दो घुट पानी मिल जाए। इमाम आली मुकाम ने जैनब बल वेखिया, फरमाया बहन जैनब तू जाननी ये जेड़े नाने मैनू सबक पढ़ाए ने ओदे विच वंडण दीआं गल्लां ने मंगण दा सवाल कोई नहीं। जनाबे जैनब पाक ने भी सर झुका लिया, वो मेरे बाप अर्ज कर दियां ने आका हुसैन एक मां दा सवाल मन के लै जाओ। इमाम पाक ने पुत्र नू हत्थां ते उठा लिया, लैके मैदान करबला विच निकले ने। कूफी खुश हो गए, हुसैन अल्लाह दे कुरान दा मेला लैके आया है कि कुरान दा वास्ता मैनू छोड़ दे। लेकिन इमाम आली मुकाम मैदान करबला ने फरमाया कूफी हो ईरान तेराक दे मंगे तंगे लोगो, मैं अल्लाह दा कुरान नहीं लैके आया, ये मेरा नन्ना जिया मासूम है जेड़ा चल के नहीं आ सकता, जेड़ा घोड़े ते चढ़ के नहीं आ सकता, तमामे उज्जत वास्ते लैके आया कूफे वाले हो। अज मैं नबी दा दोतरा हो के वादा करना, जेड़ा मेरे पुत्र नू घुट पानी दे दे, कियामत वाले दिहाड़े नाने कोलों कौसर दा जाम लैके देवांगा। ये भी तमामे हुज्जत वास्ते आपने अमल फरमाया है। लेकिन हज़रात कूफिया दे कोई असर नहीं हो रहा। एक होर मल्ला दा बंदा बेईमान फरात दे किनारे खड़ा है, वो तीर तक के अली असगर दे गले ते मारे आए। इमाम आली मुकाम पुत्र नू सामने करके खुतबा इरशाद फरमा रहे नहीं, और इमाम आली मुकाम अपना तारफ करवा रहे नहीं कि नवासे है मुहम्मद के वतन दूर हमारा, आदम से जो पहले था वो नूर हमारा, डरता रहा जिब्रील अमी घर से हमारे, चंद कदम है खुलद बरी घर से हमारे, शाहों को मिलाओ ताज नगी घर से हमारे, तकसीम हुई दौलत दी घर से हमारे, चेहरों पे हमारे हुस्न अजल की तनवीर, हम हाथ उठा दे तो बदल जाती है तकदीर। लेकिन इतने इमाम आली मुकाम ने हाथ नहीं चुके, इमाम ने फरमाया तमाम हुज्जत वास्ते हजरात एक बेईमान ने तीर मारे है, जेड़ा अली असगर सरकार दे हुलकू में नाजक अंदर लगा है, तीर हलक चुकरास कर दिया इमाम दे जख्म अंदर लगा है। जिसले तीर पटिया है खून का फवारा बार आया है। अल हयातुल खफी तारीख करबला दी बड़ी मोतबर किताब रौदतु शुहादा मुल्ला हुसैन वाइज काशवी दी पढ़ रहा हूं। इमाम आली मुकाम ने चुल्लो भरे आसमान वल फेंकन लगे ने, हातिफ चुनिदा आइए हुसैन, मजलूमे करबला दा खूने आसमान वल न सुटी, अगर आसमान वल सुटिया क्यामत तक बारिश नहीं होनी। जमीन वल गिरान लगे ने, जमीन चुनिदा आइए हुसैन, मजलूमे करबला दा खूने जमीन ते गिर गया फसलां नहीं होन गईयां। इमाम ने पुत्र दे खून नाल दाड़ी नू खजा बना लिया। जिसले जनाब इन्नी देर होई है सिसकियां बंद हो गई नहीं, बच्चे दियां आहवां खामोश हो गई नहीं, हमेशा वास्ते खामोशी हो गई है। इमाम आली मुकाम अर्ज करदे ने कौन दे या मालिका, जड़े चल के आ सकते सन चल के आए नहीं, या अल्लाह जड़े घोड़ियां ते सवारियां ते आ सकते सन आए नहीं। अल्लाह सोणिया मेरा मासूम पुत्र ना ये सवारी ते चल के आउण जोगा, ना ये घोड़े ते चढ़ के आउण जोगा, ना पैदल आउण जोगा, हत्थां ते लैके आयो। इमाम आली मुकाम जिसले वापस मुड़े ने कपड़ा पुत्र दे चेहरे ते दे ले आए, मेरे बाप ने वेखिया दौड़ के आईया, अर्ज कर दिया ने आका हुसैन लगदा मेरे पुत्र नूं पानी मिल गया है।
आराम नाल सो गया है, कई दिन तू इन आराम नहीं किया। इमाम ने फरमाया रुबाब फरात का पानी तो नहीं मिलिया, अलबत्ता तेरे बेटे नाने ने कौसर का जाम अता फरमा दिता है। अंजना पुत्र दी लाज उसने खेमे च रखी है, उधर आवाजा आ रही ने हुसैन जल्दी कर असा जुमे की नमाज पढ़नी है। हजरात कैसिया नमाजा तो कैसिया आजाना उन्हें बदबख्तों दियाँ। इमाम आली मुकाम जिसले हथियार लगा के चलन लगे फिर ख्याल आया बाकी लाशा तो बड़िया ने, जो घोड़े दौड़ने ने वह घोड़िया के कदमों दिया टापा बर्दाश्त कर लेन गियाँ। मेरा नन्ना जिया मासूम ए जिसम के चीथड़े उड़ जाएंगे। इस करबला की तारीख की पहली कबर जड़ी इमाम आली मुकाम अपने हाथों नाल बनाई है। जनाबे गिरामी कदर पुत्र की कबर बनाई, करबला दे रेते नू पिछा हटाया, जिसने पुत्र नू बगैर गुसल कफन तो शहीद नू गुसल कफन नहीं दिता जाता, इंज हाथों से चुक के कबर अंदर रखन लगे ने। आखिरी नजर पुत्र दे चेहरे वल पई है, पता की आंदे ने इस वक्त कले जा का किसे हाल बताऊं, इस वक्त कले जा का किसे हाल बताऊं, ए चांद तुझे किस तरह मट्टी में छुपाऊं। फिर ख्याल आया हुसैन ये मुकाफत अमले हक दी राय, पुत्र नू जनाबे गिरामी कदर कबर नन्नी मुबारक कबर अंदर रखे आए, मिट्टी दा बुक भरिया पौन लगे ने ते कहंदे ने हाथों से मेरे मट्टी किराई नहीं जाती, ये चांद सी सूरत है मट्टी में मिलाई नहीं जाती। फिर इमाम पाक मुकामे रजाते ने ये कहते हुए गर्दन तस्लीम झुकाई, चांद सी सूरत मट्टी में मिलाई। इको कबर जी इमामी आली मुकाम अपने मुबारक हथां दे नाल बनाई है। इमाम पाक जिसले जनाब कबर मुबारक बना के आंसुआं दा छिड़को करके जान लगे ने, फिर ख्याल आया एडा वड्डा मैदान करबला है, ओ अली असगर पुत्रा तेनू कल्ले नू मैं सुला के जा रहा, किधरे डर ना जावी। ए जनाब मामा घरां च कम कर दियां नहीं ते बच्चियां नू कल्लियां नहीं लटांदियां, वड्डा कमरा वड्डा घर है बच्चा डर ना जाए, छोटे बच्चे दे पंगूड़े नू कोल कर लैंदियां ने। ओ अली असगर पुत्रा एडा वड्डा करबला दा मैदान है, तेनू कल्ले नू मैं लटा के जा रहा वा। जनाब दो कदम अगां वल चुके एक कदम पिछा वल चुके, पुत्र दी कबर वल वेख के पता की फरमाउंदे ने, डर डर के ना रोना ऐ अली असगर, ओ पुत्रा डर डर के ना रोवी कुछ देर तो बाद तेरा पाप भी तेरे कोल आउण वाला है। डर डर के ना रोना ऐ अली असगर, आता हूं मैं आराम से सोना अली असगर। नन्नी कबर खोद के पुत्र दी आप इमाम दफना दिता, ले मालिका कुछ नहीं रखिया मैं, दामन चाड़ हुसैन विखा दिता। एक गल मैं जिहड़ी करनी बड़ी जरूरी समझांगा, कई सैयद होंदे ने ते फिर सहाबा इकराम दे खिलाफ और बिलखसूस सैयद फारूक आजम के बारे मुगल्लेजात बकते हैं। अकीदे की गल सुन लो ताकि अकीदे की सेहत ठीक रहनी जरूरी है। इमामी आली मुकाम सरकार दियाँ तीन बीवियाँ तीन हरम आप दे मैदान करबला च गए, इतों चार ही चले सन, एक मक्का पाक तू करबला जाते हैं विराज विशाल हो गया रौदत शुहादा की रवायत के मुताबिक और दीगर कुतबे तवारीख करबला जड़िया ने उन्होंने राज तदफीन हो गए। तीन आरम गए ने, एक का नाम जनाब उम्मे लैला रजी अल्लाह ताला, इन्हों के पुत्र सन इमाम अली अकबर, एक माई साहबा ने उन्होंने नाम है शहर बानू, इन्हों के बेटे ने इमाम जैनुल आबिदीन, एक माई साहब का नाम है उम्मे रुबाब, इन्हों के बेटे ने जनाब अली असगर रजी अल्लाह ताला। अच्छा ये सब नू पता है कि हजरत शहर बानू का निका इमाम हुसैन के नाल किन्ने फरमाया, जिन्होंने नहीं पता वह भी सुन लो, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला किन्ने निका फरमाया। जिमें जमीनी हकायक के मुताबिक अजकल अमरीका सुपर पावर ना, इवें उस वक्त ईरान सुपर पावर होता सी, ईरान का गरूर शाही खाक किन्ने मिलाया उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला।
दौर फतह होया एंड सोने चंद के ढेर लगे ने सिर नहीं मना नाल सोना आया। 18 टाकियां वाला कमीज पा के जाना कुर्सी नबी पाक दे मेंबर ते बैठा है ते फिर इधर इमामे हसन नु बिठाया इधर इमामे हुसैन बिठाया इज्जत दे नाल। खजानची ने फरमाया जरा जमा तफरीक करके दस भी फी मुजाहिद किन्ने किन्ने दिरम दिनार आते हैं। उन्होंने हिसाब करके दस्यो हजूर 50-50 दिरम 500 दिरम दिनार आने ने। आपने फरमाया ठीक है 1000 दिरम दिनार लियाओ 2000 मंगवा के 1000 इमामे हसन पेश किया 1 इमामे हुसैन पेश किया। अब्दुल्ला बिन उमर ने इतराज नहीं किया सवाल किया अर्थ किया अब्बा जी तुसा अमीर अल मोमिनीन हो ते मैं शहजादा वा अमीर वक्त दा। अब्बा जी जदों हसन हुसैन पाक मदीना पाक दी गलियां च खेलदे सन ना उदों मैं नबी पाक सरकार दे नाल जाके ते काफरां नाल जंगा लड़दा रहा। अब्बा जी मैनूं 500 दिरम इन्हां नूं 1000 दिरम एक ही वजह है। उमर बिन खताब दा जवाब तारीख दे मत्थे दा झूमर है। फरमाया ओए अब्दुल्ला तेरी मां इन्हां दी मां वर्गी है वे तेरा बाप इन्हां दे बाप वर्गा है वे। फरमाया तेरी मासियां इन्हां दीआं मासियां वर्गियां हैं ने चचे ते मामू ते कई रिश्ते नबी पाक ने गिनवाए। मैं कहना साहेबो जेड़ा असली ते नस्ली ते हसबी सैयद होएगा वो उमर बिन खताब नु मंदा नहीं बोलेगा बल्कि उमर बिन खताब ने शहर बानो नु कलमा भी पढ़ाया है ते हुसैन नाल निकाह भी फरमाया है ते मैदान करबला च इमाम हुसैन अली अकबर नु बचा लेंदे अली असगर नु बचा लेंदे दमा नु नहीं बचाया इमाम जैनुल आबदीन नु बचाया है। फरमाया पुत्रा तेरे विचू मेरी नस्ल चलनी है ते तेरे तेरी मां दे नाल मेरा निकाह उमर बिन खताब ने कीता है जेड़ा तेरा ते मेरा असली पुत्र होवेगा ना ओ उमर बिन खताब नु पौंकेगा नहीं बल्कि हुसैन दे काजी दा एहतराम करने वाला होवेगा उमर बिन खताब नु सलाम करने वाला होवेगा। डट के हुसैनियत जिंदाबाद ठीक है ना। अली अकबर नु बचा लेंदे अली असगर नु बचा लेंदे इमाम जैनुल आबदीन नु बचाया ताकि तेरी तेरे विचों औलाद चलनी। और अल्लाह जानदा मैं दो जगह खिताब करके आ रहा फैसलाबाद बड़ी रूहानी महफिल सुबह 7 बजे का टाइम से क्या बात वो असली सैयद थी अल्लाह जानदा वो जू ही गल शुरू हुई ना वो अखा च आंसू शुरू हो गए। मैं आखिर है जे इन्हों के घर की गल हो रही है ना हाँ जी और जिस उमर बिन खताब सरकार की मैं गल की जनाब वो उतो उठ मत्था चुमन लग पा भी इंज के खतीब भी है ने इंजदा किता भी बयान करते हैं। मैं कह साडे इमामे आले सुन्नत दे छोटे वीर इमाम हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हें बड़ा सोहना तखय्युल दिया कीता साडे तक कन्वर्ट कीता सानू कन्वे कीता सीधा रस्ता दसिया है। उन्हें पता की आखिया उन्हें कह बे इजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं बे इजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत और अहले बैत पाक से बेअदबियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हाँ जी इस वास्ते अकीदत से ठीक रखनी जिक्र अहले बैत सुनो डट के सुनो रज के रोवो कोई पाबंदी नहीं है अखा चांस उदो आती तो अल्लाह की रहमत होंगी ठीक है ना। लेकिन इस गल से पाबंदी है भी अहले बैत की मोहब्बत साबन बंदा नहीं बोलना तो जो कोई बकवास कर रहा आवे तो बर्दाश्त भी नहीं करनी बस ए ईमान है। अल्लाह इस अकीदत सानू कायम रखे साबित रखे जिंदा रवीए थे नबी की आल साहब की मोहब्बत जिंदा रवीए मौत आवे तो पाकों की मोहब्बत मौत आवे आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्ला बलागुल मुबीन।